आरके विज्ञान कृषि कॉलेज कालोड़ी प्यार में जो आपका एक बार पुनः स्वागत है, एक बार फिर से स्वागत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अपन बी ए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो पॉलिटिकल साइंस के जो फर्स्ट पेपर है उसका जो यूनिट फोर्थ है उसमें व्यवहारवाद के बाद में जो उत्तर व्यवहारवाद है उस टॉपिक पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले जो राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत थे परंपरागत और आधुनिक, परंपरागत जो सिद्धांत है वो मूल्य पर बल देता है, आधुनिक वैज्ञानिकता पर बल देता है, और जो व्यवहारवाद है जो डेविस्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया वो तथ्य और तकनीक पर बल देता है। उसी प्रकार जो उत्तर व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद तथ्य और तकनीक के साथ साथ मूल्य पर बल देता है। ये जो उत्तर व्यवहारवाद है तथ्य तकनीक के तकनीक और मूल्य है। तो कहने का अभिप्राय जो तथ्य तकनीक और मूल्य, तो उत्तर व्यवहारवाद में तथ्य पर बल दिया गया, तकनीक पर बल दिया और मूल्य में मूल्य पर बल दिया गया। इसमें कहते हैं जो सार इसकी जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को सार्थक बना सकते हैं। समाज में जब वैल्यू यानी उसमें नैतिकता से संबंधित कोई समावेश नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो वो समाज ना के बराबर है। तो इसमें जो डेविस्टन के द्वारा जो व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था उसने स्वयं अपने सिद्धांत के विरोध में एक और सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसके नाम उसको अपन उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। तो जो व्यवहारवादी जो उत्तर व्यवहारवादी जो सिद्धांत है उसको अपने वैचारिक क्रांति कह सकते हैं। वैसे व्यवहारवाद सिद्धांत अच्छा था, उसमें तथ्य और तकनीक पर बल दिया गया था, लेकिन उसमें मूल्य का कहीं पे भी समावेश नहीं था। जब मूल्य का समावेश नहीं है तो निश्चित तौर पर वो सिद्धांत डेविस्टन द्वारा कुछ अधूरा सिद्धांत रह गया। तो डेविस्टन ने इस सिद्धांत की पुनः जो व्यवहारवाद का सिद्धांत है व्यवहारवाद के सिद्धांत की पुनरावृत्ति नहीं की और उसमें जो कमियां थी उसको तुरंत सुधार किया और उसमें मूल्य पर बल दिया गया। तो उन्होंने ये कहा कि मूल्य और तकनीकी, मूल्य और तकनीकी जब है तो निश्चित तौर पर उसमें तथ्य भी होने चाहिए। तो अपन राजनीति विज्ञान में जो तथ्य और मूल्य और तकनीकी का सहारा लेकर राजनीति विज्ञान को एक नया सिद्धांत दिया, नए सिद्धांत के द्वारा नए सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसको उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। उत्तर व्यवहारवाद में यह कहा गया कि उत्तर व्यवहारवाद जो को एक वैचारिक क्रांति की संज्ञा भी दे सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब जो डेविस्टन इसके प्रमुख प्रतिपादक है डेविस्टन उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख प्रतिपादक है, प्रतिपादक है। उन्होंने क्रम और प्रासंगिकता, उन्होंने क्रम और प्रासंगिकता प्रासंगिकता का सिद्धांत दिया। क्रम और प्रासंगिकता, प्रासंगिकता का अर्थ क्या होता है, औचित्य। प्रासंगिकता का अर्थ क्या होता है, औचित्य। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो उत्तर व्यवहारवाद में डेविस्टन ने क्रम व्यक्ति क्रमशील रहे, व्यक्ति क्या रहे क्रमशील, जब व्यक्ति क्रमशील रहेगा तो कार्य को आगे क्रियान्वित करता रहेगा
एक मुख्य धारा में जुड़ा रहेगा। उसी के तहत प्रासंगिकता जिसमें सार्थकता हो, जिसमें जिसका औचित्य हो, जिसको अपनी यथार्थवाद के नाम से भी जानता है, जिसको अपन सार के नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो मूल्य में सार्थक होना जरूरी है। उत्तर व्यवहारवाद में यह कहा कि तकनीकी और तथ्य के तकनीकी और तथ्य को आगे बढ़ाने के लिए उसमें सार्थक होना जरूरी है। अगर तथ्य और तकनीकी को अगर अपन दूर भी कर दे, उनको उखाड़ देंगे, तो सार्थक होगा यानी उसका उद्देश्य होगा, तब जाकर वो सिद्धांत सार्थक होगा। तो डेविस्ट ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सार्थकता यानी सार्थक पर अधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति कर्मशील रहे और प्रासंगिक रहे, एक औचित्यपूर्ण उनकी एक ऐसी नीति रहे। तो उन्होंने डेविस्ट ने इसको उत्तर व्यवहारवाद किस प्रकार से परिभाषित किया वो आप देख सकते हो। वो देखे उत्तर व्यवहारवाद एक वैचारिक क्रांति, उत्तर व्यवहारवाद एक वैचारिक क्रांति है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद एक वैचारिक क्रांति है। यह उत्तर व्यवहारवाद एक वैचारिक क्रांति है, यानी कि विचारों की क्रांति है। जैसे व्यवहारवाद में डेविस्टन के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, वो विचार वो सिद्धांत उसको समझ नहीं आ पाए और उन सिद्धांतों में कुछ आंशिक परिवर्तन कर दिए, तो ये वैचारिक क्रांति विचारों की क्रांति है। यह व्यवहारवाद का सुधार आंदोलन है। यह व्यवहारवाद का सुधार आंदोलन है। आंदोलन हाँ, अपने कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद एक वैचारिक क्रांति है और व्यवहारवाद का सुधारात्मक रूप है, सुधार का एक आंदोलन है। इसमें क्रम और प्रासंगिकता पर बल दिया गया है। इसमें सुधार आंदोलन है, इसमें क्रम और प्रासंगिकता पर बल दिया गया है। बल दिया गया है। तो अपन ये कह सकते हैं कि डेविस्टन के द्वारा जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, वो सिद्धांत उस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, उत्तर व्यवहारवाद एक विचारों की क्रांति है, मनुष्य के व्यवहार में सुधार करने का एक यह आंदोलन है, और इसमें कर्म इसमें कार्यशील प्रगतिशील है, कर्म पर बल दिया गया और प्रासंगिकता यथार्थवाद जिसमें सार्थक जिसकी वैल्यू निकलती और उस पर बल दिया है। इस बात पर बल दिया गया है कि राजनीति विज्ञान का शोध और अध्ययन समाज की वास्तविक संभावना के संदर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। कहने का अभिप्राय यही है कि राजनीति विज्ञान का शोध और अध्ययन समाज की वास्तविक संभावना के संदर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। सन 1969 में डेविस्ट ने 1969 में एक लेख जारी किया गया। उस लेख का लेख अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के शोध की उपयोगिता व्यक्त है, जो अमेरिकन इंडियन एसोसिएशन
जो संगठन है उसकी उपयोगिता व्यर्थ है जब तक सार्थक मौजूद नहीं है, जिस विषय में, जिस उपयोगिता में, जिस सिद्धांत में व्यर्थ है, जिसमें समाज की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कहना मतलब जो सिद्धांत है व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसमें समाज की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, वह समाज वह सिद्धांत व्यर्थ है। इसमें यह बताया गया 1969 में एक सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया, उसमें यह कहा गया कि जिस समाज में समाज की समस्या का समाधान नहीं किया गया वह व्यर्थ है, और वह व्यर्थ होने की वजह से उसमें सुधार किया जाए, ऐसी संस्था ऐसे संगठन बनाए या समाज की समस्याओं पर और राजनीतिक समस्याओं को समझने और उनके निदान के लिए एक नई क्रांति का जन्म हुआ। इसे डेविसन ने व्यवहार उत्तर व्यवहारवाद का नाम दिया। कहने का अभिप्राय उत्तर व्यवहारवाद एक वैचारिक क्रांति है, विचारों की क्रांति है। तो अपन को अपन इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इस प्रकार से अपन इसको पढ़ सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद एक वैचारिक क्रांति, विचारों की क्रांति है। यह व्यवहारवाद का सुधार आंदोलन है, इसमें क्रम और प्रासंगिकता पर बल दिया गया है, और क्रम और प्रासंगिकता कब सफल होगी, जब समाज में सुधार हो और राजनीति में सुधार हो। और जब राजनीति में सुधार कब होगा, जब राजनीति में सुधार तभी होगा जब राज्य की या समाज की समस्याओं का समाधान हो, और जब समाधान हो और समाधान एक क्रांति के माध्यम से हो, और क्रांति के माध्यम से जो सुधार किया जाएगा समाज का उसे उसको ही डेविसन ने उत्तर व्यवहारवाद का नाम दिया। कहने वाला समाज की समस्याओं का समाधान, समाज की समस्याओं का समाधान, समाधान राजनीतिक समस्याओं का समाधान, राजनीतिक समस्याओं का समाधान, राजनीतिक समाज की समस्याओं का समाधान, राजनीति समस्याओं और संस्थाओं का समाधान अर्थात निदान, ये सभी समाज के द्वारा समाज में इस प्रकार की क्रांति हो, और वो क्रांति समाज के उत्थान के लिए हो, उसको ही डेविसन ने व्यवहारवाद के रूप से व्यवहारवाद का जो नाम दिया गया उसको उत्तर व्यवहारवाद में परिवर्तित कर दिया। तो अपने कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद एक समाज सुधारक आंदोलन है, ये एक वैचारिक क्रांति है। ये डेविसन ने समाज के लिए जो राजनीतिक संस्था है उनके समस्या का निदान करने के लिए जो एक आयाम दिया, एक सिद्धांत दिया, उसे ही भविष्य का उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत के नाम से संबोधित करते हैं। इसमें क्रम और प्रासंगिकता पर बल दिया गया, इसमें जो वैल्यू है मूल्य है उस मूल्य पर बल दिया गया, जबकि व्यवहारवाद में मात्र तथ्य और तकनीक पर बल दिया गया। तो यह अधिकतर बार यह पूछ लिया जाता है तथ्य और तकनीक के साथ मूल्य पर किस सिद्धांत पर बल दिया गया, आप डरने की कोई बात नहीं है, आप तुरंत बता देंगे कि उत्तर व्यवहारवाद पर उत्तर व्यवहारवादी जो डेविसन द्वारा प्रतिपादित किया गया उसमें व्यवहारवादी सिद्धांत पर बल दिया। प्यारे बच्चों, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है उत्तर व्यवहारवाद के नारे क्या है या दो लक्षण कौन कौन से हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद के जो दो लक्षण या जो नारे हैं वो अपन ये कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद क्रम प्रधान है, क्रमनिष्ठ है और प्रासंगिकताशील है, जिसको अपन औचित्यपूर्ण या यथार्थवाद भी कह सकते हैं। अधिकतर बार पूछ लिया जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे क्रमनिष्ठ ज्ञान, इसको क्रमनिष्ठ विज्ञान कह सकते, क्रमनिष्ठ और प्रासंगिकता जो औचित्य है, औचित्य यथार्थ वास्तव।
क्वेश्चन खत्म कर लिया जाता है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो उत्तर व्यवहारवाद का जो प्रासंगिकता है, जो औचित्य है, वो और क्रियाशील जो क्रमनिष्ठ है उसको ही उत्तर व्यवहारवाद में, उत्तर व्यवहारवाद की जो दो लक्षण और दो नारे के नाम से संबोधित कर सकते। इसके बाद में जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान में जो उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन डेविस्टन के द्वारा, स्वयं के द्वारा व्यवहारवादी सिद्धांत की आलोचना समूह उसके विरुद्ध जो एक वैचारिक आंदोलन है उसके रूप में उसका प्रतिपादन किया गया। लेकिन इसके उत्तर व्यवहारवाद मुद्दे के कारण वो देखे, पहला कारण था उत्तर व्यवहारवाद के कारण, देखो कारण ये व्यवहारवाद विरुद्ध प्रतिक्रिया है, ये व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। कहने का अभिप्राय यही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में व्यवहारवादी जो सिद्धांत दिया गया था व्यवहार डेविस्टन के द्वारा वो वैज्ञानिक और तकनीकी से संबंधित तो था, लेकिन उसमें मनुष्य के जो मूल्य है, समाज का जो विकास होना चाहिए, जो वैल्यू होनी चाहिए, उनकी अवहेलना की गई है। इसलिए ये एक द्वितीय विश्व के विरुद्ध एक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में व्यवहारवाद की विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जो आम आदमी की समस्या परे थी, क्योंकि उसमें बहुत सी शोध प्रणालियां थी। अगर किसी भी राज्य का या किसी भी देश में अगर आप सिद्धांत प्रतिपादन करना चाहते हो तो वहां की समाज की समस्या का समाधान और आम आदमी के समझ में वह सिद्धांत आए तभी वो सार्थक हो सकता है। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद ने अपना अपने आप में कमी देखी और उसमें उन्हें सुधार किया। तो उन्होंने ये कहा डेविस्टन ने, ये व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को एक ऐसी ऊंचाइया सैद्धांतिक और वैज्ञानिक देने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद स्वयं के व्यवहारवादी भी इन प्रयासों में अज्ञात और अनुभव करने में असफल हुए। कहने का अभिप्राय यही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में व्यवहारवादी राजनीति को वैज्ञानिक बनाने में असफल नहीं हुए, और जब नहीं हुए तो निश्चित तौर पर यह उत्तर व्यवहारवाद मुद्दे का कारण था। दूसरा कारण अपने लिखेंगे कि सामाजिक विज्ञान की अध्ययन पद्धति या प्राकृतिक विज्ञान की तरह लागू करना। दूसरा कारण अपने ये कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान के विषय को प्राकृतिक विज्ञानों के विषय के समकक्ष या समान लागू करना। कहने का अभिप्राय जो सामाजिक विज्ञान के अन्य विषय है जैसे नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, ये मात्र एक कृत्रिम विषय है, ये समाज विज्ञान के विषय है, इसमें समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन व्यवहारवादियों में जो डेविस्टन के द्वारा तथ्य और तकनीकी का सहारा लेकर सामाजिक विज्ञानों को एक वैज्ञानिक समूह देना चाहते हैं, एक वैज्ञानिक रूप देना चाहते हैं, वो निरर्थक था, वो गलत था। और उस गलत होने की वजह से राजनीति विज्ञान को जो प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में न रखकर एक
डेविस्ट ने कृत्रिम विज्ञान की श्रेणी में रखा और कृत्रिम विज्ञान की श्रेणी में रखकर ये कहा कि समाज की समस्या का समाधान समाज में जो मूल्य है, मूल्य निरपेक्षता है, जो मूल्य सापेक्ष सॉरी जो मूल्य सापेक्षता है, मूल्य सापेक्षता को अपना कर ही समाज की समस्या का समाधान कर सकते हैं और समाज की समस्या का समाधान करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो सामाजिक विज्ञान के विषय है उनको अपन राज विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। ये एक मुद्दे का कारण है। तीसरा कारण ये अपन ये कह सकते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान उत्तरवादी की तरह व्यवहारवादी शोध के शोध में संतोष का परिणाम है। उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी को शोध का असंतोष है। तीसरा कारण हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवादियों के द्वारा व्यवहारवादियों के द्वारा शोध को केंद्र बिंदु माना लेकिन उत्तर व्यवहारवादी इसको गलत मानते हैं और उसके प्रति असंतोष व्याप्त करते हैं, असंतोष जाहिर करते हैं। और जब उन्होंने यह कहा भाई सोधी व्यवहारवादियों में कहा कि सोधी केंद्र का बिंदु है और जब केंद्र का बिंदु है रिसर्च करे, शोध करे और समाज विज्ञान है उस समाज विज्ञान को, समाज विज्ञान का एक विषय है राजनीति विज्ञान, उस राजनीति विज्ञान को सूक्ष्म विज्ञान की श्रेणी में लाया जा सकता है तकनीकी के माध्यम से और शोध के माध्यम से। जब शोध के माध्यम से उसका एक सिद्धांत का प्रतिपादन होगा, जब शोध का प्रतिपादन होगा तो निश्चित तौर पर उस शोध के प्रतिपादन के आधार पर सिद्धांत का प्रतिपादन होगा, जब सिद्धांत का प्रतिपादन होगा तो निश्चित तौर पर राजनीति विज्ञान को सूक्ष्म विज्ञान की श्रेणी में ला खड़ा करेंगे। जब ला खड़ा करेंगे तो अपन उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य जगत का जो राजनीति जो विचार है, मनुष्य के जो विचार है जो मानव व्यवहार है वो परिवर्तनशील है और जब परिवर्तनशील है तो उसमें उसको परिवर्तनशील होने की वजह से राजनीति विज्ञान जो राजनीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्र को अपन प्योर विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। जब नहीं रख सकते तो डेविडसन ने एक मुद्दे का कारण यह भी रहा कि वो शोध को केंद्र बिंदु से असंतुष्टता और जब असंतुष्ट हुआ तो उन्होंने नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया उनका उत्तर व्यवहारवाद। उसके बाद में अगला कारण यह रहा कि देश में जो जटिल समस्याएं थी समाज में या देश में जो समस्याएं थी उन समस्याओं का राजनीति शास्त्र उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई। उन जबरन समस्या जैसे आतंकवादी, वियतनाम में संकट और इंडोनेशिया का वियतनाम में और यूरोप की जो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध उसको रोक नहीं पाया, तो उनसे असफलता होने की वजह से भी उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं उत्तर व्यवहारवाद के जन्म में सहायक है डेविडसन ने ही उसको एक वैचारिक क्रांति बताया, एक सुधारात्मक आंदोलन बताया। सुधारात्मक आंदोलन कर्म और प्रासंगिकता पर बल देकर समाज की समस्याओं का समाधान और राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का उत्थान करने के लिए एक क्रांति का रूप दिया और उस क्रांति को अपन उत्तर व्यवहारवाद के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये रहा उत्तर व्यवहारवाद को अपन इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और कारणों को भी अपन विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में डेविडसन ने जिस प्रकार से व्यवहारवाद में डेविडसन ने इसकी 8 मान्यता दी थी, उत्तर व्यवहारवाद में
ने इसकी सात मान्यता दी गई वो जो इस प्रकार से है। पहले बच्चों उत्तर व्यवहारवाद का जो डेविडस्टीन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उत्तर व्यवहारवादी जो सिद्धांत डेविडस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया उसको प्रासंगिकता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और प्रासंगिकता के सिद्धांत या उत्तर व्यवहारवादियों का जो सिद्धांत है उसमें डेविडस्टीन ने सात मान्यता दी गई। वो पहली मान्यता आप देखे परविधि से पूर्व सहार, परविधि से पहले ही सहार, पर विधि से पूर्व सहार सार यहां पर एक लक्ष्य होता है विषय वस्तु होता है। परविधि तकनीक तो कहने वाला वाला उसको यह कहता है जो व्यवहारवादी जो सिद्धांत दिया उसमें नियमितता बताई समग्रता बताई और नियमितता और समग्रता और व्यापकता उनके माध्यम से राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में लाना चाहता है। जबकि पर विधि से पूरी सार करे ये डेविडस्ट ने कहा कि सारांश पहले निकाले उद्देश्य पहले निकाले। अगर कभी यह हो जाए भाई तकनीकी खराब हो जाए या तकनीकी नष्ट हो जाए लेकिन उद्देश्य को मन देना नहीं चाहिए, उद्देश्य को जीवित रखना चाहिए, लक्ष्य को जीवित रखना चाहिए। और डेविडस्टीन ने यह कहा कि प्रगति से पूरी साथ होना चाहिए, मनुष्य का एक लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार से इसका वर्णन किया। वो आप देखें सुने राजनीति विज्ञान के शोध में तकनीक की तुलना में सार वस्तु को महत्वपूर्ण माना है। तकनीक की तुलना में जो सार है जो लक्ष्य है जो उद्देश्य उसको महत्वपूर्ण माना है। तकनीकी कितनी ही परिष्कृत क्यों ना हो यदि वह समकालीन उस समय की सामाजिक समस्याओं की दृष्टि से प्रासंगिक नहीं है तो कितनी भी परिष्कृत क्यों ना हो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो कितनी भी शुद्ध क्यों ना हो लेकिन वहां पर जो जिस समय जो बात की जो समस्या है उन समस्या का समाधान नहीं कर पाती है तो वो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो उसे शोध पर जो समाज की समस्या का समाधान नहीं कर पाती है उस शोध पर समय लगाना गलत है। उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार प्रासंगिक सुनिश्चितता से स्पष्ट होना कम हुआ है। तो कहना मतलब प्रासंगिक अगर कोई चीज है और प्रासंगिक अच्छा है उस पर समय लगाना व्यर्थ है और उससे कम बुरी बात है। कहने का मतलब समकालीन प्रासंगिकता के लिए वो उद्देश्यपूर्ण है लक्ष्यपूर्ण है तो वह सिद्धांत काफी अच्छा है। और किसी वजह से उत्तर व्यवहारवाद में डेविडस्टीन के द्वारा जो प्रतिपादित किया उसने ये कहा पर विधि से पहले सार होना चाहिए जो मानव या समाज के लिए एक अच्छा लगे। दूसरा सामाजिक परिवर्तन पर बल, दूसरा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन पर बल। सामाजिक परिवर्तन पर उत्तर व्यवहारवादियों के सिद्धांत का एक कारण यह भी है उसका जो लक्षण है वो भी है कि डेविडस्टीन ने समाज में परिवर्तन चाहता है और वो भी एक
नई सी देश जिसमें मूल्य की सार्थकता हो, क्रम की प्रधानता हो और प्रासंगिकता का औचित्य हो। उसमें डेविस्टन ने यह कहा कि समकालीन राजनीतिक विज्ञान को ध्यान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए। सामाजिक समाज में परिवर्तन ही उत्तर व्यवहारवादियों का केंद्र बिंदु है। समाज में परिवर्तन होना नितांत आवश्यक है। वक्त और समय के साथ साथ अपने आप में परिवर्तन होना अति आवश्यक है। तो उन्होंने ये कहा कि विज्ञान ने सामाजिक रूढ़िवादिता विचारधारा का रूप ले लिया है। विज्ञान ने सामाजिक रूढ़िवादिता विचारधारा का रूप ले लिया था जिससे केवल धीमी गति से परिवर्तन संभव थे, क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए कोई स्थान नहीं था। तो कहने का अभिप्राय जो पुरानी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, जो अच्छे ट्रेडिशनल है उनको अपना सकते हैं और जो गलत परंपराएं उनका परित्याग कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ब्रिटेन में अभी समय है, ब्रिटेन में जो अभी समय है जिसको अपन परंपरा भी कहते हैं, वहां पे आज भी कानून है। तो डेविस्टन के द्वारा जो उत्तर व्यवहारवादी में समाज में जो परिवर्तन की बात कही गई वो भी कुछ हद तक सार्थक होती है। उसके बाद में समस्याओं का समाधान समस्याओं का समाधान उत्तर व्यवहारवादियों में जो डेविस्टन का जो अगला नेक्स्ट जो लक्षण है, जो नेक्स्ट मान्यता है, उसमें ये कहा कि समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्या का समाधान करना भी उत्तर व्यवहारवादियों का परम लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जो कृत्रिम सामाजिक परिपाटी है, व्यक्ति के द्वारा जो समाज में जो होने वाले क्रियाकलाप है उनमें किसी प्रकार की कोई कमी आ जाए, कोई बुराई आ जाए, कोई रूढ़ी प्रथाएं आ जाए, उनका परित्याग तो होना ही होना चाहिए, लेकिन उनमें कुछ ऐसी बातों का समावेश भी हो जिससे कि समाज के व्यक्तियों का उत्थान हो सके, अपन उसको इस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान ने राजनीतिक यथार्थता को अपनाया है। राजनीति विज्ञान ने वास्तविकता को अपनाया है, अपना संबंध तोड़ दिया था। उत्तर व्यवहारवादी समकालीन सामाजिक समस्या को समाधान में बल देते हैं। इनकी मान्यता है कि राजनीति विज्ञान में उपयोगी तो तभी है जब बाह्य समस्या का समाधान हो। तो कहने का मतलब उत्तर व्यवहारवादियों में जो डेविस्टन ने जो समस्या का समाधान ये कहा कि राजनीति विज्ञान की उपयोगिता तभी सार्थक होगी जब बाह्य समाज की समस्या का समाधान हो पाएगा, अन्यथा वह सिद्धांत व्यर्थ है। उसके बाद में मूल्य को महत्वपूर्ण मानना है, मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला अक्षर मूल्यों को महत्वपूर्ण मानना, मूल्यों को महत्वपूर्ण मानना। कहना का निर्देशन में जो राजनीति विज्ञान का जो उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया उसमें जो वैल्यू है, मनुष्य की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको अधिक महत्व माना है, उनको तकनीकी से पहले माना है और सार या व्यक्ति का जो उद्देश्य है, समाज का उद्देश्य है, उस समाज के उद्देश्य को लेकर ही मूल्य की सार्थकता हो सकती है, तब जाकर ही वो राजनीति सही माने में सार्थक हो सकती है। तो कहने का मतलब मूल्य को महत्वपूर्ण माना है, व्यक्ति को व्यक्तित्ववान माना है, चरित्रवान माना है। जब राजनीति सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं और इसमें मूल्य नहीं है, उसमें नैतिकता नहीं है, संस्कार नहीं है, तो वो सिद्धांत बिल्कुल बेकार है और वो सिद्धांत अधूरा है। अगला सिद्धांत उसने ये कहा बुद्धिजीवियों की भूमिका, जीवियों की भूमिका अरस्तु ने डेविस्टन ने यह कहा कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत है उसमें
मात्र तकनीकी के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाया जा सकता है और साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकते हैं। लेकिन जो बुद्धिजीवी है, विज्ञान के साथ साथ समाज के सामाजिक विज्ञान के अनेक फैक्टर है, अनेक क्षेत्र है, उनमें भी अपनी अपना बुद्धि का प्रथम लहरा सकते हैं, अपनी बुद्धि का परिचय दे सकते हैं। जैसे डॉक्टर चिकित्सा क्षेत्र में जो मैथ वाले हैं, इंजीनियर क्षेत्र में जो लेखककार, साहित्य के क्षेत्र में, तो अलग अलग क्षेत्रों में बुद्धिजीवी जाकर राजनीति विज्ञान का उत्थान कर सकते हैं और समाज का विकास कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कर्म पर बल। कर्म पर उत्तर व्यवहारवाद ये कहता है कि व्यक्ति कर्म निष्ठ होना चाहिए, व्यक्ति को कार्य करता रहना चाहिए। जिस प्रकार से उत्तर व्यवहारवादियों में कर्मनिष्ठ और प्रासंगिकता का सिद्धांत दिया गया, उसके जो लक्षण दिए गए, उसके जो नारे दिए गए, उसमें कहा कि व्यक्ति कर्मशील होने चाहिए, उसमें बताया गया है कि उत्तर व्यवहारवादी कर्म पर बल देते हैं। इनके अनुसार राजनीति विज्ञान को समाज के पुनर्निर्माण में संलग्न रहना चाहिए, शोध करता को ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें सामाजिक समस्या के समाधान में सहयोग प्राप्त होना चाहिए, व्यक्ति क्रियाशील रहना चाहिए, व्यक्ति को ऐसे कार्य करना चाहिए जो समाज की समस्या का निदान हो सके, समाज में किसी प्रकार की समस्या आए नहीं। अगला जो पॉइंट है वो यह है कि व्यवसायों का राजनीतिकरण, व्यवसायों का राजनीतिकरण, व्यवसायों का राजनीतिकरण, जो भी उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, उन कारखानों को राजनीति में संलग्न करके उनका एक दूसरे में सामंजस्य हो, जब सामंजस्य होगा तो निश्चित तौर पर राजनीति और समाज का विकास होगा, जब समाज का विकास होगा तो निश्चित तौर पर राजनीति के जो लक्ष्य है वो सार्थक होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति और व्यवसायों का जो सामाजिकरण होगा, जो राजनीतिकरण होगा, जिसके माध्यम से देश का और उत्तर व्यवहारवादियों का जो लक्ष्य है, डेविस्टर ने जो प्रतिपादन किया गया, उसका सपना सार्थक होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो उत्तर व्यवहारवादियों ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसको क्या अपन व्यवहार उत्तर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद कहे या परंपरावाद कहे, तो अपन ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद में, परंपरावाद में क्रम पर बल दिया गया और कल्पना पर बल दिया गया, आधुनिक राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिकता पर बल दिया गया, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में जो डेविड डिस्टन ने उसको इस सिद्धांत का पुनः प्रतिपादित किया, उन्होंने ये कहा कि ये सिद्धांत क्रमशील, क्रमनिष्ठ और प्रासंगिकता को सार्थक करता है, जब क्रमशील और सार्थकता को सिद्ध करता है तो निश्चित तौर पर ये सिद्धांत एक बहुमुखी है, चहुमुखी है, और चहुमुखी होने के साथ साथ अपन इसको परंपरावादी सिद्धांत और व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवादियों का जो सिद्धांत है, जो व्यवहारवादियों का सिद्धांत, उनके बीच का सिद्धांत कहे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आने वाले जो कक्षाएं हैं उसका जो चौथा यूनिट होगा, अपन अंतशास्त्री उपागम पढ़ाएंगे। अंतशास्त्री उपागम में यही है कि जिस प्रकार से व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी जो सिद्धांत पढ़ा रहे थे, तो व्यवहारवादी सिद्धांत में अंतशास्त्री उपागम समाज विज्ञान का, समाज विज्ञान से क्या संबंध है, इस प्रकार के, इस प्रकार का जो लेसन पूरा फोर्थ यूनिट आएगी। तो आगे आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।